Hello students, today we are going to discuss about the kind of debentures. If you remember we have discussed in one video about the types of preferentials. Similarly here there are four types of debentures. Now see let us see the first kind of debenture that is Naked and Mortgage debentures.

गिरवी रखती है तो वो हमारे मोर्टेज डिबेंचर्स होते हैं लेकिन कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ एज ए सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं होती सो इन दैट केस वो जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं दे आर नॉन एज नेक्ड डिबेंचर्स नाउ लेट रीड दिस नेक्ड और सिंपल डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड एज नो प्रॉपर्टी इज प्लेच और मोर्टगेज ऑन देअर इशू कोई भी चीज़ उसमें प्रॉपर्टी या कोई भी एसिट वगैरह कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है दे आर टू पे इन केस ऑफ डिफॉल्ट द डिबेंचर्स कैन मीयरली सी यू द कंपनी फॉर रिकवरिंग देयर मनी अगर कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है तो सिर्फ जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में सी यू कर सकते हैं कि ये इतना अमाउंट हमने दिया था एंड दे हैव नॉट रीपे इट बैक बाकी कोई उनके पास कोई एसेट नहीं होता कुछ नहीं होता एज ए सिक्योरिटी कि वो जिसको सेल करके अपना अमाउंट वापस ले ले देन नाउ सी ऑन द अदर हैंड मोर्टिगेज और सिक्योर डिबेंचर्स आर इशूड बाई क्रिएटिंग अ फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट ये क्या होता है कि तो फिक्स कि एक फिक्स इंटरेस्ट लगता है एसेट पे या फ्लोटिंग जो चेंज होता रहता है कोई ना कोई चार्ज लगता है कंपनी एसेट पे इन केस द कंपनी मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट अगर कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है पेमेंट नहीं कर पाती है द डिबेंचर होल्डर्स कैन रिकवर दे अड्यूज फ्राम द मोर्टिगेज प्रॉपर्टी कंपनी क्या करती है कंपनी जो भी वो एसेट लेती है सिक्योरिटी पर वो उसको सेल करके अपना अमाउंट ले लेती है वापस सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्ट एंड मोर्टिगेज नेक्ड क्या होते हैं हमारे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेते हैं एंड मोर्टिगेज डिबेंचर इन Mortgage debentures are known as secure debentures in which any type of a security is taken against the debentures then come to the second point redeemable and irredeemable if you remember we have studied about the redeemable preference shares and irredeemable preference shares this is also same redeemable debentures redeemable are also known as callable debentures are repayable on a predetermined date और एट एनी टाइम प्रायर टू देअर मच्योरिटी एट दिन ऑफ दी कंपनी रिडीमेबल ये होता है अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का जो टाइम होता है कि लेट से टेन ईयर्स के लिए अगर हमने डिबेंचर्स होल्डर्स uh, से अमाउंट लिया है लेकिन अगर हम टेन ईयर्स से पहले ही उनको उनका पैसा वापस करना चाहते हैं सो दैट इज़ वॉट रिडीमेबल डिबेंचर्स दैट ऑन अटर इट कैन बी रीपेबल ऑन अ प्री रिटामडेड प्री रिंड मीन्स फिक्सड डेट और एट एनी टाइम prior to their maturity at the option of the company or prior prior means before to the maturity at the option of the company but irredeemable or perpetual debentures this is irredeemable spelling is wrong irredeemable or perpetual debentures are repayable only at the time of winding up of the company but irredeemable debentures are those debentures which are only paid when the company is going to Wind up. So, this is the difference between redeemable and irredeemable debentures. Come to the third point bearer and registered debentures. Bearer debentures means which are not registered.

बट रजिस्टर्ड डिचर्स आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर्स डिचर होल्डर्स इंटरेस्ट इज पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड होल्डर्स सच डिबेंचर्स कैन भी ट्रांसफर्ड ओनली बाई ट्रांसफर डीड और इंटीमेशन टू द कंपनी एंड नॉट नियो डिलीवरी ये हम सिंपली बिना लीगल फॉर्मालिटी के डिलीवर नहीं कर सकते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जो होते हैं वो रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड uh, होते हैं एंड जो इंटरेस्ट पे होता है डिबेंचर होल्डर्स को वो उसी को ही पे होगा जिसके नाम पर डिबेंचर्स होंगे ओके okay? जिसके नाम पर डिबेंचर होगा उसी को इंटरेस्ट मिलेगा दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विद अ मीयर डिलीवरी सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स नाउ कम टू द नेक्स्ट वन कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल सेम एज प्रिफरेंट शेयर्स लाइक प्रिफरेंट शेयर्स कैन भी कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड सिमिलरली हियर इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स द डिबेंचर होल्डर्स आर गिवन द ऑप्शन टू कन्वर्ट देअर डिबेंचर्स इंटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफाई पीरियड ऑन सर्टेन कंडीशंस कुछ कंडीशंस में यू कैन कन्वर्ट डिबेंचर्स इंटू शेयर्स then non convertible debentures do not carry any right to be converted into equ uh, equity shares but non convertible debentures you cannot convert share uh, debentures into equity shares so these are the kind of debentures hope you all understood it is first naked and mortgaged debentures second redeemable and irredeemable debentures third bearer and registered debentures fourth convertible and non convertible debentures so, hope you all understood about the types of debentures. Thank you. Have a nice day.